Welcome to the Bhangan 2024, an initiative by Impact Foundation, Tata Memorial Center, along with Duvita Foundation. और जैसे कि मैंने कहा, ये भारत का पहला स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो चिल्ड्रन विद कैंसर के लिए है. हमारे यहाँ हमारा परिवार आया है टाटा मेमोरियल सेंटर. आप सब वॉलंटियर्स हैं नहीं. बेसिकली वी हैव 250 चिल्ड्रन, 500 पेरेंट्स एंड 250 वॉलंटियर्स एंड स्टाफ ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर विद अ साइट टू बी होम. हमारे खुद के टाटा मेमोरियल का परेड है ये. Home.
खुद के चाचा मेमोरियल का परेड है ये।
So once again, welcome to the Bhavan 2024, an initiative by Impact Foundation, Tata Memorial Center, along with Duvita Foundation. और जैसे कि मैंने कहा, ये भारत का पहला स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो चिल्ड्रन विद कैंसर के लिए है. जोरदार तालियां एवरीवन. एक्सीलेंट. तो अभी हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. हमारा इवेंट है जो नवांगन में हमारा इवेंट है, ये दो दिन का है, टुडे एंड टुमारो. अगर आप देखेंगे, वी हैव रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन स्टेज बिकॉज वी गोना किक स्टार्ट द इवेंट. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर सुदीप गुप्ता, हु इज द डायरेक्टर ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंपैक्ट फाउंडेशन. लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर सुधाकर शिंदे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ हेल्थ एंड वेस्टर्न सबर्ब्स. He's like a guide for all of us. Mr. Sunil Shetty, entrepreneur, actor, investor, mentor, sportsman at heart. He has graciously joined our Impact Foundation family to support childhood cancer. Mr. Luke Coutinho, who's the founder of Luke Coutinho Holistic Healing Systems. He practices in the field of holistic nutrition and integrative and lifestyle medicine. Dr. Sripad Banavali, Director of Academics, Tata Memorial Center, an integral part of our Impact Foundation again. And Dr. Shailesh Rikhande, Deputy Director, Tata Memorial Center. So, जैसे कि मैंने कहा था, we have 250 children, बच्चे, 250 plus volunteers and staff of Tata Memorial Center and Duvita Foundation and 500 parents. Zordar taaliyan. Thank you for supporting this event. We have 7 more hospitals participating today with children coming from across India, and those hospitals are Bhai Jalbhai Wadia Children's Hospital, MCGM Comprehensive Thalassemia Care Borivali, Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Lokmanya Tilak Municipal Medical College and General Hospital from Siam, Sir H.M. Reliance Foundation Hospital and Research Center, Society of Rehabilitation of Crippled Children, that is SRCC Hospital, and finally Nayar Hospital. And we just saw the parade right outside. Welcome, welcome everyone. And of course, amongst this illustrious list, we also have Sri Vivek Vatholkar, who is the Executive Director of GAIL, Sri Sanjay Sahu, Chief Manager, HR, Sri Anurag Arora, DGM Marketing, and Dr. Mamta Manglani, who is the Director of CTC Borivali. Namaste, bachche log. Good morning. All set for the games. तो बेसिकली ना हम लोग जब ट्रीटमेंट चालू किए, मैं अभी टाटा हॉस्पिटल में आज डायरेक्टर एकेडमिक्स की ऐसे से नहीं आया हूँ, मैं इम्पैक्ट फाउंडेशन की तरफ से आया हूँ आज. तो बेसिकली हमने जब चालू किया था 20 साल नियरली पहले, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे सिर्फ बच्चों के ट्रीटमेंट पे. बट अभी जो अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, काफ़ी बच्चे भी ठीक हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि ट्रीटमेंट के आगे भी कुछ है. और बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को पूरे मेन स्ट्रीम में लाना है, फिर से उनको जो नॉर्मल है नॉर्मल से भी अच्छा बनाना है. तो सबसे अच्छी तरह से अगर आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो वो है गेम्स और स्पोर्ट्स. के वर्ल्ड कैंसर गेम्स होते थे रशिया में, वहाँ पे हमारे 7-8 बच्चे जाते थे हर साल. लेकिन हमको लगा कि 7-8 नहीं है, सब बच्चों को खेलना चाहिए, सब बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए. और दुविधा फाउंडेशन की तरफ से जब हमें ये मौका मिला ये गेम अरेंज करने का, तो एज बेसिकली ट्रायल रन की तरफ से हमने पहले साल में सिर्फ बम्बई के कैंसर हॉस्पिटल दिए, लेकिन दुविधा फाउंडेशन और इम्पैक्ट फाउंडेशन मिलके मुझे पता है कि अगले साल हम ऑल इंडिया गेम्स भी लेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट नेक्स्ट 2 डे. संभाल के खेलना और आज 2 दिन में बंद नहीं करना, ये स्पोर्ट एक्टिविटी है, कंटिन्यूस चालू रखनी चाहिए. तो थैंक यू वेरी मच. शुभ प्रभात.
यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे बच्चे, उनके परिवारजन, मीडिया, हमारे स्वयंसेवक एवं वे सभी सम्मानित लोग जो पर्दे के पीछे सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, और हमारे सभी स्टाफ, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इम्पैक्ट फाउंडेशन टाटा मेमोरियल सेंटर की स्थापना सितंबर 2010 में एक मिशन और विजन के साथ की गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कैंसर से पीड़ित प्रत्येक बच्चे को इलाज का सबसे अच्छा मौका मिले। अब हमारा विस्तार भारत के 6 राज्यों में 9 केंद्रों के माध्यम से लोगों को सेवाएं प्रदान करने में पूरी कुशलता से लगे हैं। इम्पैक्ट फाउंडेशन द्वारा हर साल कैंसर से पीड़ित लगभग 4,000 नए बच्चे को सब्सिडाइज और फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। पिछले 13 वर्षों में इलाज का अबैंडनमेंट रेट 25% से गिरकर 2% पर आ गई है। एक बार जब माता पिता टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रवेश करते हैं तो हमारी यह कोशिश रहती है कि वे केवल अपने बच्चों की देखभाल पर ध्यान दें, और इम्पैक्ट फाउंडेशन उपचार के सभी पहलुओं का ध्यान रखता है। हम इलाज के साथ साथ बच्चे की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। हमने 2013 में इम्पैक्ट स्कूल प्रोग्राम को विकसित किया और इसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करना शुरू किए। हमारी यह प्रयास रहती है कि बच्चों का इलाज का सफर विश्वास, उम्मीद, खुशी के पल और अच्छी यादों से भरपूर होनी चाहिए। नभांगन हमारी नई पहल है। नभांगन का परिचय मेरी सहकर्मी अमिता और नितिन आपको देंगे। हम प्रत्येक बच्चे को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। हम आप सभी की वजह से आज यहाँ पर हैं। धन्यवाद। नमस्ते। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। आज आप सबकी उपस्थिति से हम वास्तव में सम्मानित हैं। नभ और आंगन से बना हुआ ये शब्द नभांगन, जो बच्चों को अपने आंगन से आसमान छूने का निर्देश कर रहा है। यह है लंबे समय से एक सपना रहा है, जिसका उद्देश्य कैंसर सर्वाइवर्स को एकजुट करना और उनकी टैलेंट को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक लेके जाना है। जब यह प्रस्ताव हमने दुहिता फाउंडेशन के सामने रखा तो उन्होंने तुरंत हाँ भरा, क्योंकि वह उनका भी सपना रहा है। यह सपने का बीज तब रोपा गया जब 2014 में रशिया से वर्ल्ड चिल्ड्रंस विनर्स गेम्स में हिस्सा लेने के लिए और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को आमंत्रित किया गया। 2014 से 2019 लगातार 6 साल तक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इम्पैक्ट फाउंडेशन के बच्चे को ट्रेनिंग देके हमने इतना काबिलियत बनाया कि वो वहाँ पर इंडिया का नाम रोशन किया, और उनको ये एहसास दिलाते रहे कि वो भी किसी से कम नहीं है। हमारे कई सर्वाइवर्स ने इन खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कई सारे मेडल जीते, और यह सफलता के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और खेल में ट्रेनिंग लेना जारी रखा। आज उनमें से हमारे कई सर्वाइवर्स स्टेट और नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं। तो यहाँ से कुछ कैसे थे कि अगर रशिया में हमारे विलेज में आमंत्रित खिलाड़ी
I would like to call upon founder member Mrs. Nandini Sare to be with me at this auspicious moment. Navangar, it's a making of Navangar. It's a Sanskrit word. Nabha means sky and Angar means, all of us know, child's first playground. So come out of your Angar. There is a white sky awaiting for you. Navangar is here to receive you. Sky is a limit. In the year 2014, Duita was supposed to go to winner's game, as Amita said, to Russia. But unfortunately, she couldn't attend that winner's game. It was her dream, rather our dream. Since COVID-19, they stopped organizing winner's game and idea came up of Navangar. Navangar is just a small step towards our dream. Next year, we are hoping for organizing Navangar on national level to offer sports platform to pediatric cancer survivors of all over India. Duita Foundation is associated with Tata Memorial Hospital since 2014 and dedicated to provide moral and educational support to
can relax. After the unveiling is done, it's time for our anthem. So may I request that the Navangat song be played. The Navangat song depicts the true force and energy of our children. Hamare bachchon ki jo energy hai to rise to the sky and be victorious. Jaise Navangat ka arth hai, khel kood se lekar aasmaan chuna. To ye jo hamara anthem hai, ye Amita Bhatia ka likha hua hai, pen down beautifully by her. Aur जी हाँ, मतीन कर्दा में गाया हुआ, उनके साथ साथ सौम्य मनी और हमारे पेशेंट्स जैसे इमानुअल बर्लिन, सारथी राजे, शरीफ रहमान और रूपजा बैनर्जी ये गाने वाले हैं आज लाइव. तो प्रेजेंटिंग आर वेरी ओन एंथम. ऐसे एक आईपी क्रिएट करते हैं जहां सेलिब्रिटीज की गारंटी मैं लेता हूं
बीएमसी की गारंटी शिंदे साहब लेते हैं, टाटा मेमोरियल, बाकी सारे हॉस्पिटल्स जिन्होंने साथ दिया, अगर हम साथ मिलकर करें तो सिर्फ मुंबई भी नहीं बाकी देश में इम्पैक्ट कर सकते हैं। मेरा भी काफी सालों से रिलेशनशिप रहा लोग के साथ, चैनल के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, वेलनेस के लिए हो, बच्चों के लिए हो, स्पेशली कैंसर के लिए हो। बहुत बड़ी बात है कि कोई इतना सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हम हमेशा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो आशीर्वाद भी चाहते हैं, बच्चों से भी आशीर्वाद चाहते हैं। आई थिंक इज ऑल्सो वन अमंग देम। तो ईच वन ऑफ यू इज ऑन द स्टेज, थैंक यू फॉर नोइंग व्हाट टू डू। एंड माँ बाप को आपके बिलीफ की बच्चों को वो ताकत देगी कि वो आगे बढ़ सके, तो कीप दैट बिलीव अलाइव। I know, I understand what each one of you is going through, but trust me, these are the people together with you all that will bring that change. So let's see that smile on the children's face. To each of the winners today, good luck, and to each of the participants, God bless. From what we get, you should all remember a line which is very, very close to my heart. What we get, we make a living. But from what we give, we can make a life. It could be time, not necessarily money. It could be time. So let's dedicate that time for children, for our society. And yes, elections are up. If we want to make an impact, we all need to go there and vote. Exercise our right to choose the right people. तो बच्चों अपने माँबाप को बोलना कि हम भागे आपके लिए, आप भागो देश के लिए और जाके बटन दबाओ और वोट दे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Thank you.
नेहमीप्रमाणे व्हिडिओचा इंट्रो केला नाही, पण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपल्या सगळं लक्षात आलंच असेल, त्यामुळे वेगळं काही सांगायची गरज नाही. फक्त एवढंच सांगेन, दुहिता फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत नितीन सावे आणि नंदिनी सावे. नंदिनी सावे ही माझी अत्ते बहीण आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये त्यांचं मित्रमंडळ, नातेवाईक यांची भरपूर मदत असते. मी तर केव्हा तरी क्वचितच या कार्यक्रमांना जाते, पण ही बाकीची जी मंडळी आहेत त्यांना मदत करण्यासाठी नेहमीच
तत्पर असतात. हा इव्हेंट 2 दिवस होता, 13 एप्रिल आणि 14 एप्रिल, सकाळी 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत होता. मी या ठिकाणी 7 वाजता आले. बरीचशी मंडळी सकाळी 6 वाजल्यापासूनच या ठिकाणी आलेली होती आणि मी पहिल्या दिवशीच फक्त 1 वाजेपर्यंत होते. तेवढ्या वेळातच मी शूट केलेलं आहे. मुलांसाठी जसे स्पोर्ट्स होते तसे पॅरेंट्ससाठी आणि व्हॉलेंटिअरसाठी सुद्धा स्पोर्ट्स या ठिकाणी होते. तसं बघितलं तर इथे ना मोठे मोठे कॅमेरे लावलेले होते, न्यूज चॅनलवाले होते, लाईव्ह चालू होता. तरीसुद्धा तेवढ्यामध्ये मी थोडंफार शूट केलेलं आहे आणि तेच आपल्यासोबत आजच्या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेलं आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून जर कोणाला मदत होणार असेल तर आम्हाला त्यामध्ये आनंदच आहे. मी नितीन सावे आणि नंदिनी सावे यांचा नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, वेळात वेळ काढून आपण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.